हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर एट लेकर आई हूँ सेवन क्लास का क्वेश्चन इज इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ फोर्टी क्वेश्चन प्लस थ्री अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर एंड माइनस वन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर फाइंड द टोटल स्कोर इफ अ स्टूडेंट हैड एलेवन रॉन्ग आंसर इन हिज अटैम्प्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज फोर्टी जिसमें से उसने अलेवन कौन से कर दिए रॉन्ग तो आप फोर्टी में से एलेवन माइनस कर दीजिए मीन्स उसने ट्वेंटी नाइन अटैम्प्ट किए होंगे करेक्ट क्वेश्चंस। फोर्टी क्वेश्चन में से ट्वेंटी नाइन उसके करेक्ट क्वेश्चन और इलेवन उसके क्या हो जाएंगे रॉन्ग आंसर और हर करेक्ट आंसर पर उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं प्लस थ्री हर करेक्ट आंसर पर उसको प्लस थ्री मिल रहा है मीन्स ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री और 11 उसके क्या हो गए रॉन्ग आंसर हो गए तो आपको 11 इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस तो ट्वेंटी नाइन इंटू थ्री इज एटी सेवन माइनस एलेवन आंसर आ जाएगा सेवेंटी सिक्स मीन्स उसको टोटल स्कोर कितने मिले होंगे आफ्टर एलेवन रॉन्ग आंसर आंसर विल बी सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज अ प्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ सेवन थाउजेंड मीटर अबोव द सी लेवल एग्जैक्टली लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन विद अब मैरिन विच इज सेवन थर्टी मीटर बिलो द सी लेवल कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम मीन्स क्वेश्चन इज दिस इज सी लेवल और इससे जो है सेवन थाउजेंड मीटर की हाइट पर एक जो प्लेन है वो उड़ रहा है जस्ट इसी की स्ट्रेट लाइन में जस्ट इसी की स्ट्रेट लाइन में एक सब मैरिन मीस पंडुबी जो है वो सेवन थर्टी मीटर इस सी लेवल से क्या है नीचे तो है तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल मीन्स ये दोनों डिस्टेंस बतानी तो ये ऊपर है और ये सी लेबल के अंदर है Means 7000 plus 730 means answer will be 7730 meter. The answer iska next question number 10 is write a pair of integers. उस सम इज़ फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो मतलब आपको ऐसे दो इंटीज़र बताने हैं जिनका सम करने पे जीरो है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव आप कोई भी नंबर ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस फाइव एंड प्लस फाइव जब आप इन दोनों को सम करेंगे मीन्स प्लस करेंगे तो सेम नंबर है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर विल बी ज़ीरो सेकेंड इज़ अ नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर कब आएगा जब जो बड़ा नंबर हो वो नेगेटिव हो तो so, एक एग्जाम्पल आप ले सकते सपोज वन इज माइनस एट एंड सेकेंड इज पॉजिटिव ठीक है तो माइनस एट प्लस थ्री माइनस प्लस माइनस एट में से थ्री माइनस करेंगे फाइव एंड साइन इज डिपेंडिंग ऑन लार्जेस्ट नंबर मीन्स आंसर विल बी माइनस फाइव तो यदि आपको नेगेटिव इंटीज़र निकालना हो तो बड़ा नंबर नेगेटिव एंड छोटा नंबर पॉजिटिव में लेना पड़ेगा थर्ड इज़ एन इंटीज़र स्मॉलर देन बोथ द इंटीज़र मतलब एक ऐसा इंटीज़र जिनको आप सम करें तो जो आंसर आएगा वो दोनों इंटीज़र से छोटा होना चाहिए तो वो दोनों ही इंटीज़र नेगेटिव में होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस माइनस इज माइनस 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 प्लस सिक्स और थ्री हो गए नाइन एंड साइन इज़ डिपेंडिंग ऑन लार्जेस्ट नंबर मींस आंसर इज माइनस नाइन तो आप देखिए दोनों ही नेगेटिव इंटीज़र थे और जो आंसर है माइनस नाइन वो इन दोनों इंटीजर के कंपेयर में क्या है छोटा तो आंसर हो जाएगा माइनस नाइन यह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे